और सबसे पहले आपको बताएं कि एलडीए का अड्डा प्लॉट और रायवन रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन 50 से ज्यादा अमलाक से तजावजात का खात्मा कर दिया गया। गैर कानूनी साइन बोर्ड भी हटा दिए गए हैं। चारों से जारी ऑपरेशन में 150 से ज्यादा अमलाक से आर्जी और पुख्ता तजावजात भी हटा दी गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन बताइए। ये एलडीए की तरफ से तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किए हुए आज चौथा रोज है। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की हदायत पर एलडीए टीमों ने चौथे रोज भी अड्डा प्लॉट और रायवन रोड पर ये ग्रैंड ऑपरेशन किया है। एलडीए के शोभा टाउन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने 50 से ज्यादा इमलाक से तजावजात के शेड्स और जो बिल्डिंग मटीरियल है उसको हटा दिया है। चार रोज से जारी इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा इमलाक से आर्थिक और पुख्ता तजावजात खत्म की गई हैं, जबकि इमलाक मालकान ने तो सर्विस रोड सेटबैक और पार्किंग एरिया पर तजावजात तमीर कर रखी थी उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इस ऑपरेशन के दौरान जौहर टाउन, पाइन एवेन्यू, अड्डा प्लॉट और रायवन रोड से गैर कानूनी साइन बोर्ड भी हटा दिए गए हैं। ऑपरेशन में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, जोन 4, जोन 5, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और एमसीएल की टीमों ने हिस्सा लिया है और इस चार रोज के ऑपरेशन के दौरान 150 से ज्यादा इमलाक से तजावजात का खात्मा किया गया है और मजीद आइंदा आने वाले दिनों में भी इस ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जैन।